नमस्कार। आज मेरे गार्डन में बहुत ही प्यारा सा और नन्ना सा फूल खिला है। यह है दोस्तों छुईमुई, यानी डशमी नोट, शर्मिली, लाजवंती, न जाने कितने नाम है इस प्लांट के। और यह नाम के अकॉर्डिंग ही फ्लावरिंग भी है और इसकी पत्तियां भी है। बहुत ही प्यारा जो है प्लांट है, बहुत ही कम केयर में बहुत अच्छी जो है बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर लेता है, बहुत अच्छी ग्रोथ भी कर लेता है। और साथ में ये दोस्तों ये बीज से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो ये प्लांट आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह के हार्डी प्लांट अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग निकालने में बहुत ही मुश्किल आती है, क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं थोड़े। और छुईमुई प्लांट जो है बहुत ही छोटे से पॉट में भी ग्रो हो जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये है स्पाइडर प्लांट। और साथ में ही यहाँ पर आप देखेंगे अलमंडा की जो हमने कटिंग लगाई थी, वो उसकी रिपोर्टिंग के बाद दोस्तों इसको अच्छा सा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सपोर्ट देने के बाद ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जो सहारा मिलते ही बेल वाले प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लांट निकाले अपने गार्डन से, जो मेरे पड़ोसी या फिर जो भी चाहता है वो ले जा रहे हैं। बारिश का मौसम है, बहुत सारा खाना है मेरे प्लांट के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगा है कॉसमोस और ये गडालिया। तो अब मैंने अपने गार्डन की साफ़ सफाई कर दी है, अभी बहुत जगह बाकी भी है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम निपटा लूँ। और ये देखिए दोस्तों, विनका में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। विनका में कलर शेड बहुत सारे होते हैं, ये वाइट में येलो शेड है, ये गुलबांस है, और ये भी देखिए यहाँ पर भी, ये भी विनकाई है, ये रेड कलर का डॉट इस पर बना हुआ है। तो विनका आप प्लांट ज़रूर लगाइएगा, विनका प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है। लगभग 10-11 महीने इसमें फ्लावरिंग होती है, और बारिश में और तेज़ गर्मी जब हो जाती है ना, तब इसमें बड़े बड़े फूल खिलने लग जाते हैं। बहुत कम खाद में और बहुत कम केयर में ये प्लांट ग्रो हो जाता है, कटिंग भी सभी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। छोटी मोटी जानकारियाँ मैं अपने गार्डन ओवरव्यू में शेयर करती रहती हूँ, तो गार्डन आप पूरा देखिएगा। अगर आपको गार्डन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये है दोस्तों मैक्सिकन पिटोनिया। मैक्सिकन पिटोनिया ये जंगली वाला पिटोनिया है, और जंगली वाले पिटोनिया में क्या है कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग तो होती है, लेकिन ये बहुत ही कम केयर में ये प्लांट चल जाता है। कभी कभी मिलीबग का अटैक हो जाता है, लेकिन दोस्तों इसे मैंने बीज से ही ग्रो किया था, और देखिए कितने खूबसूरत इसमें फूल खिल रहे हैं। यह है टोरोनिया। टोरोनिया में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और बारिश का मौसम ऐसा होता है कि सारे के सारे मौसम एक साथ घुल मिल जाते हैं, और उसमें सभी प्लांट जो है अपनी ग्रोथ पर भी आ जाते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। एक जोरा है जो मैंने पूरा का पूरा डीप प्रून कर दिया था, और आप आज कंडीशन देख सकते हैं कि इसमें से कितनी सुंदर और नाजुक नाजुक से पत्तियां निकल रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोस्तों ये हमारा जो प्लांट है हिबिस्कस का, और यहाँ पर है कनेर। तो पूरा का पूरा गार्डन आप देख सकते हैं, एक साथ बिल्कुल हरा भरा है, डहनतस्त है। मैंने अपने प्लांट के नाम भी शेयर कर दिए हैं, तो अगर आप लेकर आ रहे हैं कहीं से, बहुत से लोगों को मेरी तरह नाम पता नहीं होते हैं, ये जीजी प्लांट है, और यहाँ पर है गोल्फिना। तो गोल्फिना में वाइट है, पर्पल है, तो दोनों बीज से ही ग्रो हो जाते हैं। और ये गुल मेहंदी का प्लांट है, और गुल मेहंदी के प्लांट अब बीज से अपने आप से ग्रो हो रहे हैं, कटिंग है। ये सारे के सारे मैंने जो है रिपोर्ट कर दिए हैं, और ये कटिंग्स आपने देखी है, मैंने लगाई थी। तो ये वाइट गोल्फिना है, ये मुर्गा कलगी का प्लांट है जो येलो कलर का है, येलो है, रेड है, पिंक है मेरे पास, और ये हिबिस्कस है दोस्तों। ये मल्टीपेटल हिबिस्कस है, और मल्टीपेटल हिबिस्कस में बहुत प्यारे फूल खिलते हैं। ये डॉग फ्लावर है, ये पिछले साल के ही है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी छोटे छोटे पॉट में ये प्लांट, और प्लांट फ्लावरिंग करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये है डहेलिया जो पिछले साल का है, जो बल्ब इसमें रह गए थे। ये गणेश बेल है, उसके बीज कब खिल गए, कब ग्रो हो रहे हैं मुझे पता ही नहीं है। ये कनेर का प्लांट है जो मैंने अभी अभी रिपोर्ट किया है दोस्तों, ये बीज से ग्रो हुआ है। ये रेड कनेर का
प्लांट है, और उसके रेड कलर के जो बीज होते हैं वो अलग आते हैं, फलियों में आते हैं। ये देखिए इस तरह से गणेश बेल है, और ये है हमारा जीनिया का प्लांट जो फ्लावरिंग करके थोड़ा मुरझा गया था, तो मैंने इसको कट कर दिया है। अब देखिए आज की ग्रोथ अच्छी हो गई है, बहुत सारे फूल खिलेंगे आज हिबिस्कस में, अभी धूप नहीं निकली है। और ये है हमारा मधुमालती का, तो इस तरह से ये गार्डन इधर का एरिया आपको दिखा दिया है। तो चलिए दोस्तों अब इधर का दिखा देती हूँ। ये हमारे हिबिस्कस है, हिबिस्कस सारे के सारे मैंने कटिंग से ही ग्रो कर रखे हैं, और वाइट गोल्डफिना देखिए कितने प्यारे से फूल खिलते हैं। लगभग 2 महीने तक ये फूल लगातार एक जैसे खिलते रहते हैं, फिर सूखने लग जाते हैं, तब आप इनको निकाल कर इसे नए प्लांट रेडी कर सकते हैं, पिंचिंग प्रूनिंग भी हो जाएगी। छोटी सी बोतल में 2-2 प्लांट लगे हैं विनका के, और विनका तो मेरे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है। विनका और बहुत सारे से प्लांट हैं जो मैंने अपने फ्रेंड वगैरह को दे दिए हैं। ये कॉसमोस है, जो बीज क्या हो जाते हैं खुद सूख जाते हैं, मैं अपने गमलों में डाल देती हूँ, जो सीड पॉट बनते हैं गमलों में डाल देती हूँ, तो ऐसे दोस्तों ग्रो होते रहते हैं। मैंने आपको गर्मियों में भी ग्रो होते हुए दिखाया है। ये अलमंडा, ये मदर प्लांट है, और देखिए दोस्तों मदर प्लांट हो या बेबी प्लांट हो सब में अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन पिंचिंग प्रूनिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कभी भी फूलों पत्तियों को फेंकना नहीं है, अभी तो फ़िलहाल गमलों में भी नहीं डालना है, गमलों में गर्मियों में डालते हैं जिससे मल्चिंग हो जाती है, लेकिन अभी क्या करना है इनको हटाकर एक तरफ से रख देना है, अभी नहीं डालना है, अभी फंगस हो जाता है। ये विनका छोटी छोटी थैलियों में लगे हुए हैं। तो दोस्तों गार्डन तो अभी पूरा का पूरा खचाखच भरा है फूलों से। ये रजनीगंधा, रजनीगंधा में बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, और ये हिबिस्कस मैं आपको हर बार इसकी ग्रोथ दिखाती आ रही हूँ, मैं इसकी रिपोर्टिंग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत होता है दोस्तों गार्डनिंग में, और एक एक शूट करने बैठेंगे तो जो आधे घंटे का काम है वो 2 घंटे में होता है, और इतने सारे प्लांट हैं, बारिश का मौसम शुरू भी हो गया है, तो मैं सारी चीज़ नहीं बता पाती हूँ आप लोगों को। ये चंपा का प्लांट है, छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो प्लांट लगे हैं ना, जितने भी आप देखेंगे सारे छोटे छोटे प्लांटर में ही लगे हुए हैं, बहुत बड़े प्लांटर में नहीं लगे हुए हैं। पर छोटे प्लांटर में आपको खाद वगैरह की ध्यान रखनी होती है कि खाद टाइम टाइम से देती रहनी है, गुड़ाई करते रहना है, तो ये छोटे पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। ये देखिए अडेनियम, अडेनियम की ग्रोथ आप देख सकते हैं। मैंने इस प्लांट की रिपोर्टिंग मतलब वापस से शेयर की थी कि किस तरह से इसको जो है लगाना चाहिए, इसकी कटिंग भी मैंने आपको दिखाई है, मैंने रिपोर्ट कर दी है, ग्रो हो गई थी, तो जहाँ देखेंगे वहीं। ये चंपा देखिए और ये कलर देखिए, कितने सारे कलर है जो मैंने आपको शेयर किए हैं, और दोस्तों ये सारे के सारे अपने आप से नए नए कलर शेड निकल कर आ रहे हैं, तो ये मैंने ग्रो नहीं किए हैं, लेकिन प्रकृति है अपने रूप बदलती है। तो ये देखिए यहाँ पर भी, और ये दूसरे प्लांटर के साथ ही लगे, ये मीठा नीम है, और यहाँ का सारा एरिया तुलसी जी का है। तो ये देखिए एक और प्लांट, देख सकते हैं कितने सारे प्लांट लगे हुए हैं, और ये चौथी मंजिल पर ये प्लांट लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ तक आना मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अगर सारे काम छोड़कर भी मैं आती हूँ और एक चीज़ भी भूल जाती हूँ तो फिर वापस से मुझे नीचे जाना होता है। यहाँ पर इनको प्लांट को मुझे अलग अलग करना है, और यहाँ से हमने मदर प्लांट निकाले थे, और ये तो आप देखते ही आ रहे हैं पूरे साल भर इसमें फ्लावरिंग होती है। ये है नाग चंपा और ये है चंपा, दोनों के फूल सेम ही होते हैं, लेकिन जो नाग चंपा होता है उनके फूलों में खुशबू नहीं होती है, जो चंपा होता है उनके फूलों में खुशबू होती है, बस यही अंतर है। ढेर सारे गमले रेडी कर रखे हैं, ये वाला एरिया रह गया है मेरा अभी साफ़ सफाई के लिए, तो जैसे जैसे टाइम मिलता जा रहा है
मैं अपने काम निपटाती जा रही हूँ। तो दोस्तों, गार्डन में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके बारिश के मौसम में, क्योंकि इस मौसम में थोड़ा डर भी होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये अभी कोई रिजल्ट नहीं है। इसमें हमने जो है बीज बोए थे, दूसरे बीज ग्रो हो गए हैं, अभी वो तो नहीं हुए बेलपत्र के। और ये चंपा रेड वाला कटिंग से ग्रो हुआ है। मधुकामिनी, ये मेक्सिकन पिटोनिया वाइट वाला है। चलिए यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है स्पाइडर प्लांट फ्लावरिंग वाला, स्पाइडर लिली। और ये जूतों में कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, बहुत प्यारे से। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह से आपको मेरा गार्डन पसंद आ रहा है, कौन से प्लांट, कौन से फूल, कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है। तो एक बार से और धन्यवाद दोस्तों।